जी एक पिज्जा है, इसमें 4 स्लाइसेस हैं, इसमें से आपने 2 स्लाइसेस खा ली, ठीक है, 2 आपने खा ली है और टोटल कितनी स्लाइसेस है, 4, पार्ट ऑफ द होल, पूरी चीज का थोड़ा सा पार्ट। वेलकम बैक टू माई चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 फ्रैक्शंस पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज ये मैम ने बोर्ड पे पिज्जा, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक क्या ड्रॉ कर रखा है, कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। देखिए कैसे इन सब चीजों का आपको फ्रैक्शन पता चलेगा। सपोज कीजिए एक पिज्जा है, इसमें 4 स्लाइसेस हैं, इसमें से आपने 2 स्लाइसेस खा ली, ठीक है, 2 आपने खा ली है और टोटल कितनी स्लाइसेस है, 4, तो ये आपने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन। 2 आपने कंज्यूम कर ली, खा ली, और टोटल कितनी है, 4। ऐसे ही चॉकलेट्स में 6 बाइट्स हैं, आपने 1 बाइट ले ली, इसकी 1 बाइट आपने ले ली और टोटल कितनी है, 6, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक पे आप कैसे कहेंगे, कोल्ड ड्रिंक पूरी फिल्ड बॉटल है, उसमें से आपने 1/4 मतलब 1/4, एक होता आधा, आधा हाफ किया, मतलब हाफ इज 1/2। आप कहेंगे मैंने आधी कोल्ड ड्रिंक पी ली, हाफ ऑफ द कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और अगर 1/4 कहेंगे, 1/4 कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली, तो 1/4। आई होप आप फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। पार्ट ऑफ अ होल, पूरी चीज का थोड़ा सा पार्ट। आपने पूरे पिज्जा में थोड़ा खाया, पूरी चॉकलेट में थोड़ी खाई, पूरी कोल्ड ड्रिंक में से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है। तो ये था फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ अ होल। चलिए देखते नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल नंबर्स। आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखा, उसको आप फ्रैक्शनल नंबर में कैसे लिखेंगे, 1/5, 7/5, 4/7, इसको आप 1/5, इसको आपको सबको किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। कैसे लिखेंगे, 1/5, 1/5, 7/5, 7/5, 4/7। ये जो आप एक बार लगाते हैं, इस बार को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बार, फ्रैक्शनल बार। और इसको विनक्यूलम भी बोलते हैं, विनक्यूलम, ठीक है। नाउ ये जो बार के अबव जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर। और बार के नीचे जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बार के ऊपर न्यूमिरेटर, बार के नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी स्टेटमेंट लिखो आप फ्रैक्शनल नंबर लिख लेंगे, कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, बोथ वेज आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते। नाउ सी फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। आपको कुछ इमेजेस दी हैं, उसमें कुछ इमेजेस शेडेड हैं, कुछ एज इट इज हैं। आपको इसका फ्रैक्शन लिखाना है, कैसे लिखेंगे, देखिए कितनी इमेजेस शेडेड है, 2 by कितनी है टोटल, 1, 2, 3। जितनी शेडेड है वो अबव द बार आएंगी, जो टोटल है वो बिलो द बार। शेडेड एंड टोटल, आई होप आप समझ गए। चलिए इसमें बताइए, 1 शेडेड है एंड टोटल है 4, 3 शेडेड है एंड टोटल है 5। आई होप आप समझ गए हैं कि कैसे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट फ्रैक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रैक्शन। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रैक्शन।
0.5 इज अ फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जीरो है, मतलब आप ये देख के कि 0.5 एक फ्रैक्शन नहीं है ये नहीं कह सकते, 0.5 इज अ फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जीरो है, लेकिन ऐसा कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा जिसमें डिनोमिनेटर जीरो हो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें डिनोमिनेटर जीरो हो। सेकेंड पॉइंट इज दिस। थर्ड इज, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो फ्रैक्शन क्या होता है, होल होता है। जैसे 5/5 है तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1, मतलब होल, मतलब एक पूरी चीज, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 5 है मतलब आप पूरी की पूरी चीज कंज्यूम कर ली। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो वो क्या होता है, 1। आई होप आप समझ गए। चलिए देखते हैं आज का मैथ पार्ट। नाउ 40 इज द ओनली नंबर दैट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले हमारी अल्फाबेट में F आता है, देन O आता है, देन R आता है, देन T, देन Y। 40 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसमें की स्पेलिंग में सारे अल्फाबेट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अगर आपको कोई और नंबर पता है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। Isn't it interesting? So in this I have told you about fraction down and unit fraction. Keep watching my series for part 2. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.